म्यांमार में आज एक भीषण हादसा हो गया जिसमें 113 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन से हुआ था। उत्तरी म्यांमार में भूस्खलन के बाद जेठखनी को के शवों को बाहर निकाला गया है। म्यांमार फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि काचीन राज्य के जेठ समृद्ध हापकोंग क्षेत्र में मजदूर स्टोन जमा कर रहे थे, जहां खदान धंसने के कारण हुए भूस्खलन से मजदूरों की मौत हो गई। अब तक कुल 113 शवों को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद कीचड़ का एक बड़ा सैलाब लहर की तरह आया, जिसमें नीचे स्टोन इकट्ठा कर रहे लोग दब गए। हापकोंग की खबर विनियमित खदानों के घातक भूस्खलन और अन्य दुर्घटनाएं आम हैं। 38 वर्षीय मून खैंग ने कहा कि उन्होंने कचरे के ढेर को देखा जो ढहने की कगार पर था। जब वह एक तस्वीर लेने ही वाले थे तब लोग भागने लगे और चिल्लाने लगे। एक मिनट के भीतर सब लोग उसके नीचे आ गए। वहां कीचड़ में फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि भूस्खलन इतना ज़्यादा हो गया था जिसे सैलाब लहर की तरह सभी को अपने अंदर समा रहा था। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोज़ की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंग के साथ। थैंक यू।